खबर चमोली से, जहां पर विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगी। कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। अब तक 20,827 देशी विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार कर चुके हैं। इस वर्ष घाटी में सबसे अधिक आने का रिकॉर्ड है, जिसमें 280 विदेशी पर्यटक हैं। वन विभाग को अब तक 31,73,400 रुपए की आय हो चुकी है। पिछला रिकॉर्ड 2019 में 17,424 पर्यटकों का था और आय 27,60,825 रुपए की थी। चमोली से संदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट।